हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं चाहिए। और जी, हम लोग आए हुए हैं बैफ अल्बर्टा में अपनी वेकेशंस के लिए माशाल्लाह से, और आज हम लोग जा रहे हैं लेक लुइस देखने के लिए। लेक लुइस और बैफ जो है लाजमो मुलजम है, बैफ का नाम जैसे ही आता है तो लेक लुइस का नाम भी माइंड में आ जाता है। तो जी, ये जो ब्रिज मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये है वाइल्ड लाइफ के लिए ब्रिज। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को गुजरने के लिए भी हाईवे के ऊपर ब्रिज बनाए हुए हैं जगह जगह पे, जो आपको और कहीं नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ कनाडा में ही नज़र आएंगे। तो चले जी, बैम से आलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है किसकी, लेक लुइस की, और हम लोग पहुँच गए लेक लुइस पर। चले जी, हम लोग पहुँच गए लेक लुइस, और रश ऑलवेज आना यहाँ पे ऐसे ही होता है। जैसे ही पहुँचे ना सामने फ्रंट के हिस्से पे, इतना रश था ना कि वहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं थी। सब लोग खड़े होकर पोज बना बना के तस्वीरें उतरवा रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि मूव ऑन करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाके तस्वीरें बनाएंगे। और ये जो स्ट्रीम है ना, ये लेक से ही निकल रही है, और लेक से निकल के ये झरना दूर तक बहता जाता है। क्यूटी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा क्यूटी है। पहाड़ों के दामन में। और जी, लेक लुइस के ऊपर फेमस होटल फेयरमाउंट होटल है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये ले जी, हाँ वो कह रहा लेडीज के लिए। अच्छा, आगे आगे ध्यान से चले जी। बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसी कोई जगह हो ना वहाँ पे बंदा बैठा है। सामान देखो तो नहीं ना, उनकी सामान उधर देख ही, सामान को देख ही भी जा रहे हैं कि हम लोगों को ये वो चाहिए बैठने के लिए, कि ये कब उठेंगे, ऐसे तो नहीं करें ना। है ये है जी पूरा का पूरा जंगल, इतना बड़ा। और ये सामने है जी लेक लुइस, और सामने भी पहाड़ है, सामने पहाड़ है, लोग जो है नोइंग कर रहे हैं। ये देखें जी, ये सामने फेयरमाउंट नज़र आ रहा है, और हम वहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गए हैं। और ये सारी की सारी आगे ट्रेल जा रही है, आई थिंक यहाँ पे एंड हो जाएगी। ओ क्या हो गया, ठंड लगी है इनको, ठंड लगी है। इब्राहिम आपने योगर्ट नहीं डाला? चलो जी, ये देखें हम लोग कितनी मुश्किलों से यहाँ पे खड़े होकर खाना खा रहे हैं। हमारा ख्याल था यहाँ पे हमें मिल जाएंगे पिकनिक टेबल, लेकिन कोई पिकनिक टेबल नहीं मिला, और हम लोग खुद वैसे योगर्ट तो ले लो यार। नहीं, और ये जो बाबा है ना, ये हमें जगह नहीं दे रहे, हालांकि ये यहाँ बैठे हुए थे और ये जा सकते थे, लेकिन ये नहीं गए उठ के। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, ये सामने अभी भी ग्लेशियर्स है, पता नहीं लाइट में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अभी भी स्नो है। और ये जो लेक है, ये 7 ग्लेशियर्स से बनी है, सारे साइडों से पानी यहाँ पे आ जाता है। नाइस, ये देखें जी, मेरे फूलों पे भंवरे आ गए हैं। ये भंवरा है कि पता नहीं मक्खी है, आई डोंट नो। चलें ज़रा टच करके देखते हैं पानी कैसा है। ठंडा 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 ठंडा। मेरे पे नहीं फेंकना, मेरे मोबाइल पे नहीं फेंकना प्लीज। नाइस, ये महल है, वो है पूरा ग्रुप के साथ है, ये अच्छा है। वैसे ये मुझे ऐसा लगता है गाइडेड टूर है ना। एक ये है, और एक ये कितना प्यारा है, ये ब्लू जे नहीं है इब्राहिम, वो वाला मुझे ब्लू जे ही लग रहा है। अच्छा जी, लेक लुइस दूसरी साइड पे है, और हम लोग अब आगे हैं लेक लुइस विलेज में, जहाँ पे जो है वो लेक लुइस का गेंडोला होता है, ऊपर लेके जाते हैं माउंटेन के ऊपर, और नीचे इन्होंने एक बेर रखा हुआ है जिसको आप देखते हुए जाते हैं, वो अपना इनका ही है, लेकिन आप व्यू कर सकते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि सब कुछ तो बंद हो गया, लदास 5 o'clock सब कुछ बंद हो गया। वैसे हमारा कोई प्रोग्राम भी नहीं था, हम लोगों ने ये जो है वो किया हुआ है ऑलरेडी का गेंडोला, तो हम लोगों का कोई मूड नहीं था, अच्छा खासा महंगा होता है ये, हम लोगों ने ऑलरेडी एक दो कर लिए हैं, तो हमने कहा कि इसको स्किप करते हैं, जो हमने नहीं किए हैं वो वाले करेंगे इस दफ़ा, जो हमने किए हैं वो नहीं करेंगे। और यहाँ पर ना ऊपर इतना प्यारा एक झूला पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर 3 लोग बैठ के झूला झूल रहे थे, और मुझे था कि मैंने ऊपर जाना है, वहाँ बैठना है, लेकिन उन्होंने सब रास्ते क्लोज़ कर दिए थे, क्योंकि टाइम बंद ख़त्म हो गया था, टाइम मैं कह रही हूँ बंद हो गया था, सब बंद हो गया था क्योंकि टाइम फिनिश हो गया था।
सिट बैक एंड रिलैक्स। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। और ये किसका मशवरा है? ये मशवरा है वालिद साहब का। वालिद साहब कह रहे हैं, वालिद साहब कह रहे हैं कि ये करो। चलो इनफ इनफ। ओह माय गॉड, वो एंड तक जाएगा। चलें जी, दो पार्किंग है, एक नीचे और एक ऊपर है। हम लोग ऊपर वाली पार्किंग में आ गए हैं। ये शायद सिर्फ बसेस के लिए है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे लेक पेटो, यहाँ पे लुकआउट, वहाँ से वापस चलते हैं। लोग ट्रेल करके भी आते हैं, ट्रेल करके नीचे से ऊपर आते हैं। वो देखो मुंह खोल कर हर वक्त ना मम्मी की तरह जमाइयाँ लेता रहता है। चलें, इसके बाद ये हम लोगों ने जाना था लेक मोरेन के ऊपर, लेकिन वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। और वो कहते कि अंदर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ से शटल लेके जाएं और वहाँ जाके उतरें और फिर आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा शटल लेने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया और हम लोग आ गए लेक पीटो पे। लेक पीटो जो है वो लेक लुई से हार्डली 20 मिनट की ड्राइव पे है, उसी रोड के ऊपर आ जाती है। और ये मेरी फेवरेट 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 लेक है। यहाँ पे मैं सारा दिन भी बैठ सकती हूँ, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत जगह ना, आप खुद ही देखें और अंदाज़ा लगाएं। इसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करें कि ये है ना खूबसूरत, बिल्कुल पहाड़ों के दामन में, और ऊपर से व्यू पॉइंट है, नीचे तक नहीं जा सकते आप, ऊपर से इसको व्यू करें। और ये आगे की लेक पे तो ये देखें डॉल्फिन की शक्ल की बनी हुई है, ये इसका है मुँह, और ये पीछे से नज़र आ रही है इसके पेंट्स। दूर तक जो है पहाड़ी सिलसिला, और यहाँ से ग्लेशियर्स पिघल पिघल के आ रहे हैं। वो देखें वो पीछे ग्लेशियर है, ये पीछे ग्लेशियर है, सारा स्नो है। और ये यहाँ से सारा मेल्ट होके पानी इसके अंदर जा रहा है। और ये इसको ऊपर से देख सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहीं पे है इसकी, इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है अच्छा सा। अच्छा जी, आगे जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये जो वाटर है ये ब्लू और टर्कवाइज ग्रीन क्यों लगता है, थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ। ये देखें आपको चश्मे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऊपर पहाड़ों के ऊपर जमी हुई है बर्फ़, और वहाँ से वो मेल्ट हो के जब वो चश्मों की सूरत में पानी लेक में इकट्ठा होता है, तो अपने साथ साथ सारे पार्टिकल जो होते हैं रॉक्स के वो भी साथ ले आता है। और वो रॉक के पार्टिकल्स पानी के अंदर जब तैरते हैं तो सूरज की शुआएं उनसे रिफ्लेक्ट होती हैं, तो सिर्फ ब्लू वाटर को, ब्लू रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमें ब्लू पानी नजर आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है जी, अल्लाह की शान है। The bottom, fine particles of rock ground to the texture of baking flour and made suspended. कहाँ ग्लेशियर? Let your camera focus a little bit. वो रहा ग्लेशियर सारा। Zoom in, you can see the glacier. सही कह रहा है। No, that's crazy. अभी भी ऐसे ही है। 1885. What is here to listen? ये पुरानी तस्वीर? Yep. अभी भी वैसे ही है, देखो। yeah. हम लोग नीचे आ गए हैं, हमारे बच्चे हैं जो हैं उनको नीचे भी जाना है। ये वो व्यू पॉइंट ऊपर है और हम लोग नीचे आ गए हैं। चलें थोड़ी सी तस्वीरें लेते हैं यहाँ से भी, यहाँ से सामने से नज़र आएगी। इपेन बेटा थोड़ा सा दूर रहना, अच्छा एज पे नहीं जाना, यहाँ से तो बहुत प्यारी लग रही है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और दिल कर रहा है कि यहाँ पे बैठे, कितना पुरसकून है ना। सुभान अल्लाह, ये लाइमस्टोन के सारे, ये देखे जी कहाँ से मिला और क्या मिल गया, क्या मिल गया, इतने मजे मजे से खा लो। हेलो, उसे कोई लेना देना नहीं हमसे। 7:30 हो गए हैं और जब हम आए थे कितना रश था, अब देखो खाली हो गया है, खाली हो गया है, सब लोग चले गए हैं। वैसे अब परफेक्ट है, इसी वक्त आना चाहिए था, है ना। उनकी तस्वीर ले लें बेचारे, कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल सामने पीछे ग्लेशियर है, पहाड़ और आगे लेक आ गई। ये है जी बोलेक, जो बो रिवर हमारे कैनमोर के सामने से गुजर है ना, बड़ा सा ये वो लेक है। और ये लेक बन रही है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, इसका पानी जो सा आ रहा है और ये लेक बना रहा है, और ये लेक आगे रिवर में पूरी, और ये सस्केचवान में जाके ख़त्म होती है। ये जो रिवर है इसका, इतना लंबा रिवर है,
और ये लेक भी काफी बड़ी है ना। चलो जी हम नीचे आ गए हैं। कितना क्लियर पानी है माशाल्लाह से, दूर से ग्रीन ग्रीन। अब एक लॉज बना हुआ है, थोड़ा सा पीछे रहो बेटा। नो इब्राहिम का वसी का यही काम है कि आके ना पत्थर फेंकना शुरू कर दो। वो वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, वो देखो वो है ना हट सी। चलो यर्ट में चलते हैं। यर्ट तो हमारी फेवरेट है। इट लुक्स लाइक जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। जल्दी से चले और पहुंचे घर। और ये वापसी पे इनके पापा ने पता नहीं कौन सी पार्क में जो है वो एक सीनिक रोड है वो ले ली, जिसकी वजह से हमारा रास्ता और लंबा हो गया, क्योंकि इनको वाइल्ड लाइफ देखनी है। जहाँ भी जाते हैं ना इनको वाइल्ड लाइफ देखनी होती है, उसके लिए जो है वो रास्ता लंबा होते होते रात हो गई हमें, और जो है वो डर भी लग रहा था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम घर पहुँच गए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो इसको फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।